आपके अपने YouTube चैनल रॉबिन मैथ्स को सबका स्वागत है। दोस्त, हम लोग आज कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो है लंगड़ा भिन्न सतत भिन्न जो है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मैं फुल्ली गारंटी के साथ कहता हूँ। इसमें कम से कम वही सवाल मैं करने वाला हूँ जो कि पिछले गत वर्षों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर से है। सारे क्वेश्चन डीपी लेवल का होगा, सब क्वेश्चन होगा, हम पहले बारीकी समझते हैं। मेरा कहना है कि ये सतत भिन्न है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, ये क्वेश्चन आप किस तरह से अप्रोच लीजिएगा मैं इसको पहले बेसिक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद आपके सामने मैं उस मतलब मेथड का भी बात करूंगा जो फास्ट में बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ने का तरीका ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है, बेसिक ये है आपका कि ये जब भी हल होता है ना, ये क्या होता है, नीचे से हल होता है। क्या होता है? नीचे से होता है, जब भी होता है नीचे से होता है। हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं तो किस तरह से इसको अप्रोच लेते हैं, क्या करते हैं, दो एक तीन, एक दो एकम दो एक तीन बटे क्या हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, तीन बटे दो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तीन बटे दो हो गया। और ये कभी भी फ्रैक्शन इस तरह से होता नहीं है, बटे के बटे रूप में होता है। इसको क्या करना होता है, ऊपर पलट देते हैं यानी उलट जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, दो बटे तीन हो जाएगा, दो गुना एक दो बटे तीन हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तीन एकम तीन है, तीन दो पांच बटे तीन, पूरे के बदले में क्या आ जाएगा, पांच बटे तीन आ जाएगा, पांच बटे तीन हो जाएगा। अब पांच बटे तीन हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तुरंत फिर वही वही क्रिया करेंगे, इसको क्या क्या करेंगे, पलट देंगे। तो किस तरह से पलटेंगे इसको, पांच बटे तीन तो ये क्या हो जाएगा, थ्री बाय फाइव। तो अब इसको आप कह सकते हैं पांच एकम पांच तीन आठ बटे पांच, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह से आप बनाइएगा तो इतना बात दावे के साथ है, क्वेश्चन बने ना बने लेकिन रिजल्ट आपका तो नहीं बनने वाला है। हम किस तरह से इसको अप्रोच लेंगे वो हम देखते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जिस तरह से आपको बताए तो उस तरह से देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसे इसका बनेगा, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, वन यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है। तो क्या करेंगे, हम पहले नीचे वाले जो टर्म है लास्ट टर्म, इस लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे इस प्रकार से, पहले एक है तो एक लेंगे, उसके बाद दो है तो दो ले लिए, उसके बाद प्लस गिनेंगे, एक दो तीन प्लस है, उसके बाद तीन प्लस हम ले लिए, उसके बाद क्या करते जाना है, इसको जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो क्या करेंगे, ये पीछे वाले को इसमें जोड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, दो एक तीन, तीन दो पांच, पांच तीन आठ। अब जब हम आंसर करने वक्त आएंगे तो हम क्या करेंगे, पीछे से आंसर करेंगे, क्या करेंगे, पीछे से आंसर करेंगे और इसको आठ बटे पांच करेंगे। आप गौर कीजिएगा, वो भी हम जब बनाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आठ बटे पांच ही आया था, तो इसमें भी आठ बटे पांच ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको लगा होगा, इसी तरह से हम बनाएंगे। सब में मेरा यही अप्रोच रहेगा, सब में मेरा कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है, ट्रिक मेरा यही रहेगा, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोग, कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है मेरे भाई। हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने पहले किया था, टू थ्री लिया, उसके बाद प्लस आप गिनती जाइए, वन टू थ्री फोर फाइव है, फाइव स्पेस ले लेंगे, थ्री फोर फाइव। तो उसी प्रकार से क्या करना है, तीन दो पांच, पांच तीन आठ, आठ पांच तेरह, तेरह आठ इक्कीस, इक्कीस तेरह चौंतीस, ये आपका बन गया। अब आंसर हमको करना है कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला पीछे से करना है, तो चौंतीस बटे क्या हो जाएगा, इक्कीस आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। इसमें क्या दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन में जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उस क्वेश्चन मतलब लंगड़ा भिन्न में से अब कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब दिख रहा होगा एक प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। लेकिन मेरा सिद्धांत मैंने जो बोला है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम उसी प्रकार से करेंगे जो मैंने पहले किया है, तो वही करेंगे, लास्ट वाले टर्म को देखेंगे जिस प्रकार से मैंने पहले लिखा है उसी तरह से इसको लिखेंगे। वन और थ्री को मैंने
लिख लिया। उसके बाद देखेंगे इसमें कितना है, एक दो तीन चार पांच चिन्ह है, तो उसके बाद पांच प्लेस हम ले लेंगे, ठीक है, 4 5 ठीक। उसके बाद क्या करना है, हम जो चिन्ह है ठीक है, उस चिन्ह को हम अपने कंसीडर करने के लिए ध्यान में रहे, उसके लिए हमको क्या करना है, उसके नीचे में एकदम थोड़ा सा ध्यान करके, प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से नीचे से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ जो चिन्ह आपको दिख रहा है तो आगे जोड़ते हुए काम करेंगे। देखिए 3 1 4, 3 1 4, अब यहाँ क्या है आपका चिन्ह माइनस है, ऊपर कुछ नहीं देखना, मैंने पहले ही देख लिया, 1 1 का टर्म है। अब क्या करना है, 4 में से 3 को क्या कर देना है, घटा देना है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटा देना, यहाँ को देखते हुए, इसको देखते हुए हम काम करेंगे, तो 4 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है तो क्या करेंगे, 1 और क्या हो जाएगा, ये 4 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां माइनस है, 5 में 1 जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आगे है, प्लस, तो 5 4 9, तो अब आंसर करना है उसी तरह से मैंने पहले बोला भी था कि पीछे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 आपका ये आंसर हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से। तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ इसमें माइनस माइनस है, तो हम उसी बोल दिया ना पहले कि कोई बदलाव नहीं होगा, कॉन्सेप्ट में सेम वैसा ही रहेगा, ट्रिक मेरा उसी तरह से काम करेगा जैसे मैंने बनाया है। मेरे भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पहले बनाया था 2 और 3 को लिया, उसके बाद देखना है कितना टर्म है, 1 2 3 4 है, तो 4 स्पेस लीजिए, कुछ तो करना नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही करना है कि हमें घटाने के लिए बोल रहा है, सब पूरा चिन्ह जो है आपका क्या है, ये माइनस करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है सेकेंड टर्म, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से क्या करना है, इसको घटा देना है, 3 में 2 को घटा दीजिएगा, क्या होगा, 1 आ जाएगा। फिर उस प्रकार से इसमें घटाइएगा, 1 में से 2 3 घटाइएगा, क्या होगा, 1 -3 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या कीजिएगा, -2 में -1 घटाइएगा, -2 में -1 कीजिएगा, -2 में -1 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा आपका, -3 हो गया। उसी प्रकार से अब क्या करना है, -3 में से -2 को माइनस करना है, -3 में -2 करना है, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए गौर से, 3 -3 हो जाएगा, +2, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो गया। तो इतना ही करना था, उसमें अब करना कुछ था नहीं, तो अब हम क्या, हमें क्या करना है, आंसर करना है, तो मैंने पहले ही बोला था पीछे से करना है, तो पहले क्या करेंगे, माइनस को क्या लेंगे, -1 और उसके बाद -3 करना है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 आपका ये आंसर हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/3 ये आपका आंसर है, तो इस तरह से बनाना है। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में देखते हैं क्या होना है। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको जब भी क्वेश्चन लिखता हूँ तो पॉज करता हूँ, इसलिए कि थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं करता हूँ ऐसा। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसमें करना क्या है, तो जिस तरह से मैंने पहले किया है सेम उसी प्रकार से इसमें भी करना है, बदलाव कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 1/4 को देखेंगे, 1/4 यानी 1 और 4 को लिए, उसके बाद 1 2 3 3 स्पेस लेंगे, ठीक है। अब जो जो आपको दिख रहा है ना 2 3 1, इसको आप लिख दीजिए ऊपर पर, ठीक है, क्या करना है, 2 3 और 1 लिख दिया मैंने, जो है इस जगह 1 रहे 1 के टर्म में था, 1 1 1 था, तो मैंने उस प्रकार से बनाया, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इस जगह क्या करना है, अब थोड़ा सा चेंज क्या करना है, क्योंकि यहाँ 2 है तो क्या करना है, इसको इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है, और इस वाले को इससे पीछे वाले आगे वाले को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 2 8 1 9, यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया, अब 1 9 हो गया, अब फिर इसको क्या करना, इसमें क्या करना है, गुना कर देना है और इस वाले को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 4 31 हो गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार से करना है, इसमें क्या करना है, 31 गुना 1 हो जाएगा और प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला जुट जाएगा, तो क्या होगा, 31 गुना 31 और +9 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका, 40 हो गया। अब आप कह सकते हैं आंसर लिखने वक्त क्या कीजिएगा, 40/31 ये आपका आंसर हो गया, इसमें आपका कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम वही प्रोसेस है
बस यहाँ एक था तो एक गुना नहीं क्या करना था, सीधा डायरेक्ट 4 1 5 कर देते थे। यहाँ क्या है, ये 4 2 8 1 9 होता है, और कुछ नहीं करना होता है, वही प्रोसेस 4 2 8 1 9। देखिए गौर से, 4 2 8 1 9, तरीका बदला है सिर्फ करने का मतलब, और कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट सेम वही प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें क्या है आपका मतलब जो है डिजिट थोड़ा बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो करना है कुछ नहीं, इससे घबराना नहीं है, हमें क्या करना है जिस प्रकार से मैंने पहले भी बोला था सेम उसी प्रकार से करना है। 1 और 10 लिए, ठीक है, जो जो आपको टर्म दिख रहा है उसके ऊपर आप लिख दीजिए। 1 2 3 टर्म था, मैंने 3 टर्म ले लिया, 3 स्पेस ले लिया, तो क्या है आपका 8 है, 8 6, और आपका क्या है 15 है। तो क्या करना है, इसको इसमें गुना करना है, ये वाले को जोड़ देना है, तो क्या होगा 10 88 1 81 हो गया। फिर उसके बाद इसमें क्या 81 से 6 में गुना कर देना है, इस 10 को जोड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 81 गुना 6 6 8 48, और 10 जोड़ दीजिएगा, क्या होगा 6 8 1 9 496 हो गया। क्या हो गया 496। मैंने क्या बोला था, डिजिट सिर्फ बड़ा हो जाएगा और इसमें कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर उसके बाद 96 में 15 से गुना करना है, और इस 81 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए 496 गुना, ये आपका 496 गुना 15 कीजिए, कीजिए 15 6 90 9 15 9 35 35 और 9 35 45 44 144 का 4 बाकी 14, 15 4 60 और 14 कितना हो जाएगा 60 10 70 4 74 40। उस 81 को आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 8 4 12 4 1 5 7 5 1 हो गया, कितना हो गया 7 5 1 आपका ये इधर हो गया। तो अब आपको आंसर लिखना है जिस तरह से आप पहले लिखे हैं, आंसर डिनोट किए हैं सेम उसी प्रकार से करना है। क्या करना है, 7 5 1 7 5 1 बटे 496। आप इसको जब भाग दीजिएगा, ठीक है, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 15 पूर्णांक 81 बटे 496, ये आपका आंसर होगा। या आप इस प्रकार से भी यदि ऑप्शन में रहे तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट बड़ा होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ मेरा अप्रोच जो मैंने मैंने किया सेम उसी प्रकार से अप्रोच उसी तरह से लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ये आपका क्वेश्चन है, तो हमको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू इसमें आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला हुआ है, सिर्फ ये है अब की बात आपको क्या करना है, इक्वल टू समीकरण के रूप में दे दिया गया है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या कर दिया है, समीकरण के रूप में दे दिया गया है। इस समीकरण को हल कैसे, एक्स का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये आपको कह रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1/x है, सिर्फ वही लेंगे हम, वही चीज करेंगे। प्लस है क्या है, 3 टर्म है, 1 2 3 ले लिए 3 टर्म। अब क्या करना है, इसको दोनों जोड़ेंगे क्या होगा 1 + x हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़िएगा क्या होगा 2x + 1 हो जाएगा। फिर इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x और 1x, कितना हो जाएगा 3x + 2 आपका ये हो गया। अब आंसर जब आपको करना है तो क्या करना है, 3x इधर से करते थे ना, क्या करते थे, इधर से करते थे 3x + 2/2x + 1, थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपको दिख रहा होगा 5/8 है, ये आपका फ्रैक्शन मतलब जो है ना, कौन सा फ्रैक्शन है आप बता सकते हैं, ये आपका इससे बड़ा है, ये एक्चुअल ये रियल वाला फ्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है, क्या है रियल वाला फ्रैक्शन है ही नहीं है। हमको क्या करना है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है आपका 5/8, क्या है ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x/, क्या करना, ये ऊपर वाले को बदलना 2x + 1/3x + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/8। यानी आप सीधा से समझिए कि ये कम था कम के लिए, ज्यादा है तो ज्यादा के लिए किए, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, 8 दूनी, अब क्या करना है, 8 दूनी 16x + 8 = क्या हो जाएगा, ये 5 3 15x + 10। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया है, 16 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा x हो जाएगा आपका, और 10 में से 8 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही x का वैल्यू आपका
निकल करके आ जा। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, कौन सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट मतलब उलझा हुआ लगा? कोई तो प्रॉब्लम है, सेम उसी प्रकार से मैंने किया है, कुछ नहीं किया है, जब का क्यों वही प्रोसेस लगा है। और क्वेश्चन देखते हैं, एकाध क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपको जब भी मतलब जो है नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा आप उसमें देख सकते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल का होगा, थोड़ा उसमें क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पुल्टा एक्स वाई जेड वैल्यू वाले भी सवाल आएंगे, वो भी बताया जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने इस वीडियो में उतना कवर नहीं कर पाया है, तो कोशिश है कि अधिक से अधिक इसमें समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो क्या करना, कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार से करना है, 1 2 लेना है, फिर उसी प्रकार से क्या करना है, 2 5 है। तो मेरा कहना एक ही है, यहाँ क्या है, 5 एंड x है, तो 1 2 3 टर्म है, 2 3 टर्म ले लिया मैंने पहले स्पेस। उसके बाद क्या करना है, वो जो दिख रहा है एक एक रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं इसको आगे जोड़ते जाता बढ़ते जाता, मैंने इसलिए इसको अब मैं 5 कर रहा हूँ, ये थोड़ा इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है x। अब देखिए क्या करना, इसको इसमें गुना करते जाइए और ये वाले को ऐड करते जाइए, ठीक है, 5 × 10 = 11, 11 × 1 + क्या हो जाएगा, ये आपका 11 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, 11 × 2 = 13। अब फिर उसके बाद क्या करना है, 13 × x + 11, ठीक है, 13 × x + 11 क्या हो जाएगा, 13x + 11 आपका हुआ। अब हमको आंसर लिखना है किस तरह से करना है, क्या हो जाएगा, 13x + 11 नहीं हो जाएगा, 13x + 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13x + 11 / क्या हो जाएगा, 13 = क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2/1 दिया हुआ है। तो क्या करना है उसी प्रकार से, 13x + 11 = 26 हो जाएगा, तो 13x = क्या हो जाएगा, 26 में से क्या हो जाएगा, 11 में से 26 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपका 26 में से 11 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप इस तरह से देखिए 15 हो जाएगा आपका, x = क्या हो जाएगा, 15/13, ये आपका आंसर निकल के आ गया, 15/ क्या हो जाएगा आपका, ये 13 आंसर रहा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आप बनाइए ना, ठीक है, इस प्रकार जब भी क्वेश्चन बनाइए अप्रोच इसी तरह से लेना है। मैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरा कुछ होता नहीं है, इतना जरूर है कि मेरा हौसला और हिम्मत ज़्यादा बढ़ता है जो अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, और मैं प्रेरित होता हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।